हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो में स्टोरी है हर उस लड़की की जिसका वेट 100 केजी है, 98 केजी है, 95 केजी है। मेरा वेट ऑलमोस्ट 98.700 और 800 ग्राम्स मैंने लास्ट कभी देखा था। एंड मैंने वेट लॉस करने के बाद अपनी जो जर्नी है बहुत लंबे समय से मेंटेन कर रखी है। मैं, मेरे क्लाइंट्स, मेरे मेंटेनेंस वाले क्लाइंट्स, हम सब ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है अपने वेट को ना एक पर्टिकुलर एरिया पे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं किरण की, या फिर बात करते हैं हर उस पर्सन की जो कि 100 प्लस पे है या 98 प्लस पे है। जब भी कोई इंसान मोटू रहता है तब उसके साथ एक प्रॉब्लम आती है। अगर आप वर्किंग हो या फिर आप बिजनेस हैंडल कर रहे हो, आप घर पे भी हो, आपको बॉडी शेमिंग बड़ा बुरा फील कराया जाता है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत ही नीचे गिरता चला जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। आप स्टैंड भी नहीं कर पाते ढंग से बहुत सारे लोगों के बीच में। अगर आपको अपना कोई पॉइंट भी रखना है मीटिंग्स में, घर में, कहीं पर, तभी आपको हिचक आती है। बात कुछ और होती है, घूम फिर के आपके मोटापे पर आती है। अनदर पार्ट, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, सपने बहुत ज़्यादा देखते रहोगे कि पतले होंगे, करेंगे, कल से, आज से, रात को, शाम से, परसों से। थर्ड एंड सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है लेजीनेस, आलस बहुत ज़्यादा होता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, मंचिंग करे जा रहे हो, खाए जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, करना भी है, खाए भी जा रहे हो। अनदर पार्ट, आपके जो लिपिड प्रोफाइल्स है, कोलेस्ट्रॉल की जो रिपोर्ट्स होगी वो डेफिनेटली डैमेज होगी। एंड सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, उनका जो होप होता है ना लाइफ को जीने का, जो एक नज़रिया होता है लाइफ को जीने का, वो बिल्कुल ख़त्म होता चला जाता है। वो ज़िंदगी जी नहीं रहते, वो काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी। मैं बात कराती हूँ किरण से, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है हम सब के लिए, जिन्होंने लॉस किया अपना 40 केजी इन 6 मंथ्स। मेरे बैच में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो एक एक साल बैच में रहते हैं, जस्ट बिकॉज की लॉट्स ऑफ मंचिंग, चीटिंग, ज़ुबान पे कंट्रोल ना रखना, अपनी क्रेविंग्स पे कंट्रोल ना रखना, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रखना, या सिंपल रास्ते ना निकालना, वो एक एक साल तक 12-12 किलो भी लूज़ नहीं कर पाते। हेयर वी हैव किरण, जिन्होंने लूज़ किया 40 केजी इन जस्ट 6 मंथ्स, एंड इट्स अमेजिंग। उनका जो बेली है वो गया विदाउट एनी वर्कआउट, जस्ट थ्रू डाइट। एंड ये एक होप है आप सब लोगों के लिए, दैट यू कैन ऑल्सो लूज योर वेट विदाउट एनी वर्कआउट, विदाउट एनी वॉक, जस्ट फॉलोइंग अ सिंपल घर का होम मेड खाना, एंड उसके साथ साथ कोई फास्टिंग भी नहीं करना। सो सबसे पहले हम मिलते हैं किरण से और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण है, मैं 34 ईयर्स की हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, एंड मेरा एक बेटा है, एंड मैंने 40 केजी लूज किया है विद इन 6 मंथ जस्ट बिकॉज ऑफ सुमंदी। उनकी डाइट से, वो उन्होंने हमेशा मुझे हेल्प किया, 24 आवर्स वो अवेलेबल रहती जब भी मेरी कोई क्वेरीज होती थी, दीदी ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, दीदी हमेशा अवेलेबल होती थी मेरे लिए। थैंक यू सुमन, द मैजिक लेडी व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। यू हैव ट्रांसफॉर्म माय वाइफ एंड शी लॉस्ट वेट ऑफ 40 किलोस इन जस्ट 6 मंथ्स। व्हाट अ ट्रेमेंडस जॉब यू हैव डन ऑन हर। And you were always available, whether it is in the night or early in the morning. You are always there to respond to the call or the messages. You are a tough master, but at the same time, you are so friendly. And Kiran used to call you always Didi rather than Suman ma'am. Thank you so much. And I must say that Kiran also deserves a big pat on her back for following whatever you said word by word. Kiran was so dedicated, sincere. And she made that it is possible, and she made it happen. Really, it was tough. It was really tough to resist from not eating this and that. And we used to go out for dinner. Me and my son used to have it. She used to just sit there. She never used to even for a second, get tempted to have something. Well done, Kiran and Suman. You have done a great job. Keep it up. May God bless you. I'm sure you will have many more clients like this. All the best. जब भी हम लोग लूज करते हैं वेट, तब सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, अगर आपके घर के सराउंडिंग और घर के आसपास की चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, आपके मेंबर्स बहुत पॉजिटिव है घर के, वो आपको बहुत प्रेज करते हैं। किरण के साथ उनके जो हस्बैंड है, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रखा है, फोकस करा है। दो आई एम देयर फॉर हर ऑलवेज बिकॉज मैं सिंगल क्लाइंट्स हैंडल करती हूँ, मैं यहीं पे ही हूँ 24 घंटे, आई एम ऑन अ कॉल। बट पॉइंट इज कि फैमिली मेंबर का सपोर्ट ना बहुत अलग होता है। वहीं पे मेरे पास कुछ ऐसे बैच में मेंबर्स हैं जिनके हस्बैंड्स के साथ उनकी क्लैशेस हैं, या फिर उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, स्टिल दे आर इन दिस प्रोसेस कि येस वी हैव टू लूज वेट एंड आई कैन लूज वेट। सो सेम आप लोगों के साथ सिचुएशन है, यू कैन लूज वेट एंड एनीबडी कैन लूज वेट, बट एक सिंपल चीज़ें चाहिए। और वो सिंपल चीज़ें क्या हैं, आपको अपना वेट डेली का चेक करना है। अगर आप खा पी भी रहे हो, चीटिंग भी कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, तब भी आपको अपना वेट चेक करना है नेक्स्ट डे कि वेट कितने रेंज में बढ़ा है। वो एक रेड अलर्ट है, बंदा वहीं नंबर देख के भी डर जाता है
कि उसको कंट्रोल पे खाना है पूरे दिन का. अगर आप अपना वेट डेली चेक करते हो, इट्स बीइंग लाइक 7 years. मैं कहीं बाहर आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रही हूँ, हद मार के मैं दुबई जाती हूँ अपने करियर के लिए, काम के लिए, दैट्स इट. उसके अलावा मैं कहीं ट्रैवल नहीं करती. बट अगर मैं कहीं पे भी लोकली ट्रैवल कर रही हूँ, आई विल मेक श्योर मेरी वेइंग मशीन मेरे साथ हमेशा जाए. सो अगर आप कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, जस्ट चेक योर वेट एवरी सिंगल डे. एक बहुत सॉलिड मंत्र है. मैं 7 साल से वेट चेक कर रही हूँ, मेरे मेंबर 7 ईयर से वेट चेक कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप लोगों को अब तक आदत पड़ चुकी होगी अपने वेट चेक करने की. नेक्स्ट, स्लीप. कुछ भी हो जाए, नींद पूरी करके उठना, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे. 6 घंटे से नीचे नींद बिल्कुल भी नहीं चलेगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है आप लोगों के साथ, आपका मेंटल स्टेबिलिटी, फोकस, डेडिकेशन, एंड आपके पास पावर होना कि यार मैं नहीं खाऊंगी, नो आई एम ऑन अ डाइट. बहुत सारे लोग हो जाते हैं, हिचक कर लेते हैं कि नई टेबल पे बैठे हैं तो हाँ यार आने दे, ये भी ले ले, थोड़ा 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 करके हम खा लेते हैं लिमिट में, बिकॉज दे डोंट हैव दिस पावर, या फिर उनके पास ये चीज़ एक कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का कि नो आई एम ऑन अ डाइट. मानती हूँ स्टार्टिंग में लोग हंसेंगे, बट इट्स ओके, धीरे धीरे वो आपकी आदत ढाल लेंगे. अब हम बात करते हैं किरण की लाइफस्टाइल की और उनकी डाइट की, कि ऐसा किस तरीके का डाइट है जिसकी हेल्प से उनका वेट लॉस हुआ है 40 kg इन जस्ट 6 months, एंड इट्स अमेजिंग ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन. ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास, 50 kg डाउन, एक 60 kg का मेरा ऑन द प्रोसेस चल रहा है. एंड ट्रस्ट मी, एनीबडी कैन लूज वेट. आई लॉस माई वेट, शी लॉस हर वेट, एन नंबर ऑफ पीपल लॉस देयर वेट, एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत ईजिली कर जाओगे. मुझे पता है आप लोग देख के सोच रहे होगे मैं कल से डाइट स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, बट पहले आप अपने आप को तैयार करो, मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करो, एंड देन एंड ओनली यू कैन लूज योर वेट. स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से, एंड वेट चेक करने के बाद ही हम मॉर्निंग ड्रिंक पियेंगे, करेक्ट? एंड यू हैव टू सेंड योर वेट टू समवन जो कि आपका वेट को ट्रैक कर सके. सो मॉर्निंग ड्रिंक के लिए हम बनाएंगे एक फैट कटर ड्रिंक, और उसको बनाने के लिए हम चलते हैं किचन. यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं हमारा फैट कटर ड्रिंक. इसके लिए मेरे पास है यहाँ पे 2 इलायची, ग्रीन इलायची. इसको हम कूट के डालेंगे, बट सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ, पतले वाले सौंफ हैं, चुटकी भर सौंफ 2 कप पानी में. ओके, यहाँ पे मेरे पास है 2 ग्रीन इलायची, इसको हम इसमें डाल देंगे. अब हम इसको बॉईल करेंगे जब तक ये 1/2 कप जितना हो जाएगा. फैट कटर ड्रिंक हमारी रेडी है, मॉर्निंग ड्रिंक. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की. नाउ ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे मिस्सी रोटी. ब्रेकफास्ट का टाइमिंग हमारा फिक्स होना चाहिए 9 बजे से पहले, और मॉर्निंग ड्रिंक और ब्रेकफास्ट के अंदर टाइमिंग का गैप होना चाहिए मिनिमम कम से कम 35 मिनट्स. सो अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की और बनाते हैं मिस्सी रोटी और चलते हैं किचन. अब हम बनाने जा रहे हैं मिस्सी रोटी नाश्ते के लिए. सो नाश्ते के लिए, मिस्सी रोटी के लिए यहाँ पे मेरे पास है बेसन. अब ये बनेगी सिर्फ 2 रोटी, तो हमें उतना ही आटा गूंदना है. जितना बेसन है उससे थोड़ा कम वीट का आटा, गेहूँ का आटा. इसके अंदर हम डालेंगे नमक, सूखा धनिया पाउडर, नेक्स्ट अजवाइन, नेक्स्ट कस्तूरी मेथी, नेक्स्ट पिंच ऑफ हिंग पाउडर, बहुत स्ट्रॉन्ग हिंग है इस बार मेरे पास. और सबसे अच्छी चीज, इसमें हम डालेंगे प्याज, और हमारी हेल्प करेगी संजना जी आटा गूंदने में. संजना जी कम. ओके जी, सो ये रहा हमारा मिस्सी रोटी का आटा. ये बन रही हमारी मिस्सी रोटी. सो हियर वी गो, ब्रेकफास्ट, एंड साथ में हम लेंगे कोई भी मिक्स सब्जी, एंड हमारी 2 मिस्सी रोटी अनियंस वाली बिल्कुल रेडी. वेलकम बैक जी. मेरे चैनल पे बतेरी बहुत सारी रेसिपीज हैं पराठास की, स्टफ रोटी की, विंटर आ रही है, आप मिस्सी रोटी, बाजरा की रोटीज़ भी ले सकते हो. सो इनमें से कोई भी रेसिपीज़ आप पिक कर सकते हो, आप उसको डाइट में ऐड कर सकते हो. अगर आपको चपातीज खाने का मन नहीं है, यू कैन ईजिली ऐड सैंडविचेस टू. मेरे चैनल पे बहुत सारी सैंडविचेस की रेसिपी है, सबकी जो रेसिपीज़ का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट के अंदर. मिड ब्रेकफास्ट में आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना. इफ़ यू स्किप इट, आपको लंच तक बहुत तेज़ी की भूख लगेगी, आप ओवर ईट करोगे, आप ओवर फुल हो जाओगे, और उसके अगले दिन से आपको ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो हम मिड ब्रेकफास्ट के अंदर ले सकते हैं 1 नारियल पानी या कोई भी सीजनल फ्रूट, या फिर मुट्ठी भर सीड्स. आजकल मैं ले रही हूँ मुट्ठी भर सीड्स, वो हम लेंगे पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, एंड हमारा लाइक फ्लैक्स सीड. इन सबको हम रोस्ट करके खाएंगे,
या फिर आप भुना हुआ चना या मखाना, कुछ भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंच की। नाउ लंच में मैं आपको बहुत अच्छी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मेरी कोकोनट ग्रेवी विद वेजीज। बहुत यमी रेसिपी है, पूरे घर में कोकोनट की खुशबू है क्योंकि मैंने अभी वो बनाई है। और उसकी जो रेसिपी है वो बनाने के लिए चलते हैं किचन में। ओके, लंच के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कोकोनट मिल्क। बहुत ही सिंपल है। गिरा हमारा नारियल की गिरी, उसको हम डाल देंगे इसमें। आधा नारियल जितना मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत यम्मी होता है नारियल तो यार। इसके अंदर हम डालेंगे पानी, इतना ही पानी हम लेंगे। एंड अब हम इसको ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छे से। सो अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा कोकोनट ग्रेवी के साथ वेजीज। ये रहा मेरे पास कोकोनट मिल्क रेडी। मैं इसको कुछ स्ट्रेन नहीं कर रही, बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है इसकी। सना चम्मच दें। एंड यहाँ पे मेरे पास सब्जियाँ हैं, ब्रोकली, गोभी, कड़ी पत्ता, बीन्स और गाजर। आपको जुकीनी मिलती है वो भी ले लीजिएगा। हाँ ये ठीक है, ऐसा ही चाहिए हमें ना, दरदरा सा। अब हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे मेरा पैन गरम हो गया है, इसके अंदर मैं डाला हुआ है मैंने सरसों का तेल। गरम हो चुका है सरसों का तेल। सबसे पहले गया जीरा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ता। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी जितनी भी सब्जियां हैं मेरे पास। गाजर डाल दी, थोड़ी सी ब्रोकली डाल दी, एक बंदे के लिए बना रहे हैं हम, थोड़ी सी गोभी डाल दी। ज़रूरी नहीं आप गाजर, ये ब्रोकली एंड वाइट गोभी दोनों इकट्ठे डालें, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हो जो भी लोकली आपको मिल रहा हो। बीन्स डाल दिया, खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हल्का सा नमक डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हमारा कोकोनट मिल्क। बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे सब्जियों को। और अब इसको पकने देंगे हम सिम आंच पे कम से कम 5 मिनट के लिए, बहुत ही सिम आंच पे। ओके, ये हमारा रेडी है हमारी कोकोनट विद वेजीज। पूरे घर में कोकोनट की इतनी अच्छी खुशबू फैल गई है। वेलकम बैक जी। सो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत यमी है। एंड उसको खाने के बाद आपकी जो एक कहते हैं ना, अंतरात्मा शांत हो जाने वाली फीलिंग आएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी पे मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी स्टार्ट विद आयुर्वेदा चीज़ें। बहुत सारी आयुर्वेदिक की ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी डाइट में ऐड करके अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हो। आप लाइफ लॉन्ग तक अपनी आपको बीमारियों से बचा सकते हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हो। मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर डाली थी गोखरू की टी की वीडियो, मैंने रिसेंटली अर्जुन की छाल भी डाली थी, छत्तावरी भी डाली थी। एंड उसके अलावा अगर मैंने इन्फ्यूजन टीज भी डाली थी, पील टीज भी डाली थी। नाउ 40 kg लूज हुआ है 6 मंथ्स में, तो ये सारी टीज तो चली ही होंगी ना। सो आपको अपनी इवनिंग टी के अंदर जस्ट एक ध्यान रखना है, कोई भी एक टी पकड़नी है और उसको पीना है। आप या तो गोखरू का टी पकड़ सकते हैं, वीकली आपने टीज को चेंज करना है, या फिर इन्फ्यूजन टी पकड़ सकते हैं, लेमन पील टी पकड़ सकते हैं, बीटरूट की पील टी पकड़ सकते हैं, पाइन एप्पल्स की पील टी पकड़ सकते हैं, एनी पील टी एज पर योर कम्फर्ट। और उसके साथ अगेन हम स्नैकिंग करेंगे। मेरे पास मेरे चैनल पे बहुत सारी लड्डूज की रेसिपीज मैंने शेयर की है। मेरा पर्सनली स्वीट टूथ है, मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करती हूँ। एंड आई विल मेक श्योर मेरे घर पर बहुत सारे मिठाइयाँ होममेड वाली पड़ी हूँ जो कि मैं घर पे बनाती हूँ, कभी कभार तो शुगर फ्री और कभी कभार विद शुगर। सो यहाँ पे मैंने चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत सारे लड्डूज की रेसिपीज रखी हुई हैं। कोई भी एक लड्डू की रेसिपी पिक करो और खाओ। एंड उसके साथ साथ मेरे चैनल पे पंजीरी की भी रेसिपी है, आप 1 से 2 चम्मच अपनी टीज के साथ पंजीरी भी ले सकते हो। एंड आपकी जो सोल है ना, शाम को क्रेविंग्स हैं जो कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, लेट्स डू दिस, लेट्स हैव दिस, इसको खाने से कुछ नहीं होता, उसको खाने से कुछ नहीं होता, ये सारी क्रेविंग्स किल हो जाएंगी। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डे का वेट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम बात करते हैं डिनर की। नाउ डिनर के अंदर हम क्या लेंगे। नाउ डिनर में मेरे चैनल पे बहुत सारी दाल्स की रेसिपीज है, बहुत बहुत सारी दाल्स की रेसिपी है। दाल सैलेड है, दाल की टिक्कीज हैं, वेजिटेबल टिक्कीज हैं, सूप्स की रेसिपी है, पम्पकिन सूप, हमारे टमाटो सूप, हमारी वेजीज क्लियर सूप। इनमें से कोई भी चीज़ आप एक पिक कर सकते हो और आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे और उसको खाएंगे। मेक श्योर आप रात को थोड़ा सा प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर आप सूप ले रहे हैं उसके साथ
सौते पनीर या सौते टोफू आप अपनी डाइट में ऐड करें, या फिर एग्स एंड चिकन भी आप ऐड कर सकते हैं डिनर में. मेक श्योर उस पर बटर और घी ना हो, इट्स जस्ट अ ग्रिल वन और बॉइल्ड वन. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मैं शब्दावरी के साथ प्यार में हूँ इन दिनों ना, उसने मेरी पूरी सिचुएशन चेंज कर दी है. मैं कैसे बताऊँ आपको कि मेरा जो आफ्टर माई एंगेजमेंट मेरा इतना ज़्यादा खाना पीना हुआ है बाहर का, मेरी इतनी आउटिंग्स हुई हैं, इतने डिनर इनवाइट्स हुए हैं कि मेरे को हर जगह जाके खाना पड़ रहा है, बिकॉज़ बनाई स्पेशली आपके लिए. मेरे को शतावरी ने इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से हैंडल करा है, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से हैंडल करा है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच हो रही होती है. इट्स अ न्यू बिगनिंग ऑफ अ लाइफ, आपको नहीं समझ आ रहा कुछ चीज़ें कहाँ किधर कैसे. शतावरी हेल्प्स मी अ लॉट मैनेजिंग दी हॉर्मोन्स, मैनेजिंग स्ट्रेस लेवल एंड मैनेजिंग माई वाटर रिटेंशन एंड मेरा डाइट प्रॉपरली, है ना. सो यहाँ पर हम नाइट ड्रिंक मिलेंगे शतावरी. शतावरी के तो आप एक महीने तक कंटिन्यू करो, आई जस्ट लव दिस शतावरी. सो शतावरी की टी कैसे बनानी है, उसका जो प्रॉपर एक वीडियो है शतावरी के बेनिफिट्स का, वो कैसे आपकी बॉडी पे वर्क करेगा, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो पिक कीजिएगा. और शतावरी की टी कैसे बनानी है, चलते हैं किचन में. अब हम बना रहे हैं नाइट ड्रिंक. नाइट ड्रिंक के लिए मैं बना रही हूँ शतावरी. यहाँ पर एक स्टिक शतावरी की मैं 2 कप पानी में उबाल रही हूँ जब तक 1 कप हो जाए. एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत अमेजिंग है ये फीमेल बॉडी के लिए, बहुत अमेजिंग है फीमेल हॉर्मोन्स के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क करता है ये. ये रही हमारी नाइट ड्रिंक शतावरी की थी. सो एक बहुत ही सिंपल एक होममेड डाइट है जो कि कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है. आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, मेरी जैसी फुदूबंदी कर गई तो आप भी बिल्कुल कर ही सकते हो. एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बिलीव नहीं करते कि यार वी कैन डू इट, आई कैन डू इट. आज ज़्यादा लोगों को उनके घर वाले ही पुश डाउन कर देते हैं, या अगर घर वाले सपोर्ट करें तो वो खुद केयरलेस हो जाते हैं. बट आप लोगों को करना ही करना है, बिकॉज हेल्दी रहेंगे तभी तो आप अपने करियर में कुछ कर पाएंगे, आगे चल पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे. क्योंकि वॉकिंग का एक एज लिमिट होता है 45-50 के बाद आप थोड़े से ढीले पड़ ही जाता है हर इंसान, अपनी लाइफ भी एंजॉय करता है. सो पॉइंट इज कि आप फिट रहें, हेल्दी रहें और करियर पे फोकस करें. एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो उनको अवॉइड करो. एंड लूज योर वेट, जो कि ईजिली है, बहुत ईजी है. एंड या दैट्स ऑल. एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल. एंड आप लोग बहुत सारे लोगों को ये वीडियो शेयर करो, जिन जिन लोगों को ये बिलीव नहीं होता कि वी कैन लूज 40 kgs इन जस्ट 6 months, and it's really possible. It's just need our focus and dedication. So yeah, that's it. And I'll see you soon in my next upcoming video. And जो कि मैं लेके आऊँगी बहुत important topic पे, बहुत ज़्यादा अभी season भी change हो रहा है. So yeah. So take care जी. Bye bye.